वो तमाम माएँ जो है आज सवाल पूछ रही है कि जो आपने गैस का चूल्हा दिया था और जो गैस का सिलेंडर दिया था उसको कैसे भरवाएं। 450 का गैस का सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया, तो आपने वो जो काम किया है वो मोबाइल कंपनियों की तरह किया है कि सिम फ्री में देंगे और चार्ज बढ़ाते जाएंगे। पहले 149 का दिया और अब पता नहीं कितने 149 का है। महंगाई पर चर्चा की जाएगी तो आज एक निर्णय आता है कि 1 साल के बच्चे को भी अब फुल टिकट लगेगा, मतलब अपने आप गोद में सुलाइए और पूरे बर्थ का पैसा दीजिए। कि अब जो है सरकार अस्पताल में जाने वाले लोगों से भी 18% लेने से चूकेगी नहीं, मतलब सीधा है मरने से लेकर के श्मशान जाने तक आपको टैक्स देते हैं कि किस कदर महंगाई चरम पर है। आसमान छूती महंगाई को लेकर पूरे देश में हम लोग महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 17 से 23 तारीख के बीच में सभी जिलों में एवं सभी विधानसभा क्षेत्रों में यह कार्यक्रम किया जाएगा और जिस तरह से प्रधानमंत्री बार बार, जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो बहुत तरह की बातें करके, या यूं कहिए कि देश को गुमराह करके कि महंगाई चरम पर है और बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार ज़्यादा आपको पता है किस तरह से होर्डिंग्स लगाए गए थे। और जब जब महंगाई चरम पर होती है तो कांग्रेस पार्टी अपने दायित्व का निर्वहन करती है और उस दायित्व का निर्वहन करने के निमित्त जो आप सब हैं, जो चौथे स्तंभ माने जाते हैं लोकतंत्र के, उन सब का हम लोग सहारा लेते हैं, या यूं कहिए कि आपके माध्यम से अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसके बाद हम लोग लगातार जनता के बीच रहते हैं। आपने देखा है कि आज़ादी की गौरव यात्रा 9 अगस्त से 14 अगस्त तक किस तरह से पूरे प्रदेश में, पूरे प्रखंड में, पूरे पंचायत में, सभी जगहों पर की गई। और हम आज ये कह सकते हैं जिन अलग अलग राज्यों के लोगों से जो बातचीत हो रही है उस पर कि झारखंड पूरे देश में अव्वल रहा है, पूरे देश में जो आज़ादी की गौरव यात्रा हुई है उसमें सबसे पहले स्थान पर जो हमें बातचीत से लगता है वो रहा है। और आने वाले समय में अभी मूल्यांकन हो रहा है, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी इन चीज़ों को भी क्लियर करेगी कि कहाँ कितना सफल यात्रा हुआ है। आप सब जानते हैं कि जिस तरह से महंगाई की मार पड़ रही है और माँ से महंगाई और माँ से माँ होती है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी माँ से महंगाई और माँ से माँ की बात करके आए थे और कहते थे कि आग से जो धुआं निकलता है उससे कई माँओं का आँख जो है आँखों से अंधी हो जाती हैं, आँखों में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, वो तमाम माएँ जो है आज सवाल पूछ रही है कि जो आपने गैस का चूल्हा दिया था और जो गैस का सिलेंडर दिया था उसको कैसे भरवाएं। 450 का गैस का सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया, तो आपने वो जो काम किया है वो मोबाइल कंपनियों की तरह किया है कि सिम फ्री में देंगे और चार्ज बढ़ाते जाएंगे। पहले 149 का दिया और अब पता नहीं कितने 149 का है, और सभी लोगों को अवेल करना पड़ रहा है, वो चाहे 2G हो, 3G हो, 4G हो, 5G करके कीमतें बढ़ाई जा रही है, सबका स्पीड वही है जो पहले था। तो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति मित्रों के लिए प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, हम
प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे कि आप जो है पूंजीपति मित्रों की चिंता छोड़ करके देश के लोगों की चिंता कीजिए, तभी इस देश का भला होगा और तभी ऐसा लगेगा कि जो बातें आप कह करके आए थे उस बात पर कायम है। आप जानते हैं कि आज ही की खबर बता रहा हूं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले, चूंकि प्रधानमंत्री जी को इसमें बड़ा चुटकी लेने में मजा आता है कि कांग्रेस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो ऐसा कुछ छोड़ो जिससे कि उनकी जो बातें हैं वो इस तरह की लगे कि तुम चाहे कुछ भी बोलो हम अपना काम करते रहेंगे। जब प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि पूरे देश में आज से महंगाई के खिलाफ जो है कार्यक्रम चलाया जाएगा, महंगाई पर चर्चा की जाएगी, तो आज एक निर्णय आता है कि एक साल के बच्चे को भी अब फुल टिकट लगेगा। मतलब अपने आप गोद में सुलाइए और पूरे बर्थ का पैसा दीजिए, और अगर बर्थ पर बच्चा सो गया एक साल का तो फिर रात में नीचे ही पाएगा, इतनी भी समझ प्रधानमंत्री जी को नहीं है। वो इसलिए कह रहा हूं, इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि परिवार को समझना, परिवार के साथ रहना और बात है और सरकार चलाना और बात है। पारिवारिक अगर चीजों को देखेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा लगेगा कि ये कार्रवाई ठीक नहीं है। अब एक साल से ऊपर के बच्चों को अगर फुल किराया देना पड़े, सीनियर सिटीजन्स के लिए हम लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्था की, बीच में उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। जो सीनियर सिटीजन को छूट मिलती थी ट्रेन में वो भी खत्म कर दिया गया। वर्ष 13-14 में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी बात करते थे वो किसी से छुपा नहीं है। 8 साल से ज़्यादा हो गए, महंगाई बेरोजगारी कम होने का नाम नहीं ले रही है। आप देखेंगे तो विफल जो इनकी नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां हैं, उसके कारण महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है। बीते 14 महीने से महंगाई दर दोहरे अंकों में है। पेट्रोल डीजल सीएनजी एवं रसोई गैस से लेकर अनाज दाल कुकिंग ऑयल जैसी जरूरी चीज़ों की कीमतों में कीमतें आसमान छू रही हैं। अब तो सब कुछ आटा चावल दही पनीर शहद जैसी जो रोज़मर्रा की जिंदगी में चीज़ें यूज होती है उस पर भी जीएसटी लगा करके, हॉस्पिटल के बेड पे जीएसटी लगा करके, पेंसिल शार्पनर पे जीएसटी लगा करके, कि अब जो है सरकार अस्पताल में जाने वाले लोगों से भी 18% लेने से चूकेगी नहीं। मतलब सीधा है, मरने से लेकर के श्मशान जाने तक आपको टैक्स देना है। आप अगर मरणासन स्थिति में हॉस्पिटल के बेड पर हैं तो ये मत समझिएगा कि इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, या यूँ कहिए कि आपका निधन हो जाएगा तो आपको श्मशान गैस श्मशान घाट के जो सामान बिकते थे उन पर भी टैक्स लगा दिया गया। तो हम समझते हैं जिस तरह से पेट्रोल डीजलों की कीमत में आप देखेंगे तो 2021 और 22 में 78 बार पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई, 76 बार डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। जो हाल 2014 में एलपीजी सिलेंडर का दाम 410 रुपया था, 2022 में 1053 रुपया प्रति सिलेंडर हो गया, जो 156% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। पेट्रोल 71 रुपया प्रति लीटर था, 100 रुपया प्रति लीटर हो गया, 40% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। सरसों तेल 90 रुपये प्रति लीटर था, 200 रुपये प्रति लीटर हो गया, 122% वृद्धि को दर्शाता है। आटा 22 रुपये प्रति किलो था, आज 35 से 40 रुपये प्रति किलो मिल रहा है, जो 81% बढ़ोतरी को दर्शाता है। दूध 35 रुपये प्रति लीटर था, आज 60 रुपये प्रति लीटर है, 71% बढ़ोतरी को दर्शाता है। कहने का मतलब ये है कि आप ना तो महंगाई पर काबू कर रहे हैं, ना ही ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। महंगाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीएसटी भर है, महंगाई अनर्गल रूप से बढ़ती जा रही है और सरकार का उस पर से नियंत्रण नहीं है।
क्योंकि उनकी आर्थिक नीतियां पूरी तरह विफल है। 27 लाख करोड़ रुपए इस सरकार में पिछले 8 सालों में उगाहने का काम किया है, बावजूद तमाम सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम ये सरकार कर रही है। ऐसे में हम सबों का चुप बैठना ठीक नहीं है। हम लोगों ने लगातार महंगाई पर चर्चा के लिए योजना बनाई है। सभी हमारे जो मंत्रीगण हैं 6-6 जिलों का दौरा करेंगे। सभी विधायकगण अपने विधानसभा क्षेत्र को छोड़ करके बाकी जो उनको विधानसभा के अभिभावक की जिम्मेदारी दी गई है या यूँ कहिए पालक की जिम्मेदारी दी गई है उनको वहाँ जाना है। संयोजकगण 2500 जिला में जाएंगे। साथ ही साथ सभी जो विधानसभा में एक अगुवाई करने के लिए नेतृत्व करने लोगों को डिप्यूट किया गया है वो सभी लोग वहाँ जा कर के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से महंगाई पर चाय दुकान पर बैठ करके आदि आदि तरीकों से चर्चा करेंगे, महंगाई पर चर्चा करेंगे। और जो आप कहते हैं बराबर कि आप प्रेस ब्रीफिंग से तो आप सारी बातें कहते हैं, मैदान में जो या यूं कहिए कि लोगों में ये जहन में बात नहीं है कि महंगाई मार रही है लोगों को, तो उस बात को बताने के लिए या यूं कहिए उनको जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं। और जो आप बहुत सारी चीज़ें साथ में है कि इसी तरह सब्जियों की कीमत में भी 35% की वृद्धि की गई है, नमक जिसके लिए आंदोलन किया था महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के समय में, उस नमक पर भी अब 41% की वृद्धि कर दी गई है। तब जब नमक को भी नहीं छोड़ा जा रहा है तो हम चुप बैठे रहे, जब हम अंग्रेजों के समय में चुप नहीं बैठे तो अब चुप बैठने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए हमने 5 अगस्त को राजभवन पर जो घेराव किया था वो आपको देखने को लगा होगा कि लोगों में आक्रोश है और उस आक्रोश की वजह से इतनी भारी संख्या में लोग भी जुटे और इतने तरीके से, शायद आज तक जो मैं जितने दिन से यहाँ पर राजभवन को घेराव करता रहा हूँ इतनी भीड़ और इतना जबरदस्त समर्थन और आक्रोश पहली बार राजभवन पर देखने को मिला था। और उसके बाद हम लोगों ने लगातार ये कार्यक्रम तय किया है, हर जगह पे सड़क पर उतरेंगे। ये तो 17 से 23 का कार्यक्रम है। 28 तारीख को ये भी योजना बनी है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्देश आया है कि 28 तारीख को पूरे देश में से लोग जाएंगे और दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महारैली का आयोजन किया गया है, उसमें हम लोग सब लोग शामिल होंगे और जो महंगाई की लड़ाई है उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। या यूँ कहिए कि 2024 में सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बेदखल करने का काम करेंगे। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय आलमगीर आलम साहब से कहूँगा कि वो बेरोजगारी और जो महंगाई है उसके संदर्भ में अपनी बातों को रखें। आ जाएगा? आ जाएगा। बहुत शांति से सुन रहा लूँगा। आज के प्रेस वार्ता में हमारी बीच उपस्थित है हमारे झारखंड प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी, शमशेर आलम साहब, रविंद्र जी, सतीश पॉल जी, राकेश जी, अमूल्य जी और यहाँ आए हुए तमाम प्रेस मीडिया के मित्रों। आज की जो कार्यक्रम, आज को जो प्रेस वार्ता हम लोग यहाँ बुलाए हैं, अभी अभी हमारे पहले हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि महंगाई को लेकर आज का प्रेस वार्ता विशेष रूप से यहाँ पर रखा गया है और हमारा एक कार्यक्रम भी चल रहा है। 5 अगस्त को भी हम लोग कार्यक्रम किए थे जहाँ पर हम लोग महामहिम राज्यपाल का वहाँ धरना प्रदर्शन करने की काम किए थे और 17 तारीख से लेकर 24 तारीख तक 81 विधानसभा में इसी तरह का कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे। लोगों को ये जानकारी देना हम चाहते हैं कि 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के समय उन्होंने यहाँ के भारत की जनता को एक नहीं अनेक आश्वासन दिए थे और हरा भरा जो है बाद दिखाने की काम किए थे।
लेकिन इन 8 सालों में अगर हम उसका मूल्यांकन करेंगे, अगर उसको हम देखेंगे, तो कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस वादा के साथ एक बार नहीं दो बार सत्ता में आने की काम किया है, अभी तक उसका कोई भी एक शब्द प्रतिलक्षित जनमानस में कहीं भी देखने नहीं मिला। हम लोगों ने देखा क्या, इस महंगाई के लेकर ये बात कर रहे थे, आज महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी का, चाहे लाल किला से परसों जो बात हुई थी, कहीं भी महंगाई का मौत तक जो है माननीय प्रधानमंत्री से लेकर कोई नेता आज तक बात को नहीं रखा। बेरोजगारी इस कदर बढ़ा है जो उसका हम बता नहीं सकते, सही से बयान नहीं कर सकते। और उनका क्या था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को हम नौकरी देंगे। 2 करोड़ का आप 2 करोड़ नहीं, कितने करोड़ लोगों को बेरोजगार आप कर दिए। पहला नोटबंदी उन्होंने लाया, जो बिना सोचे समझे नोटबंदी लाकर यहां पर लोगों को बेरोजगार करने के काम किया है, और छोटे छोटे घर में जो अपने आने वाले जनरेशन के लिए बेटा बेटी के शादी के लिए जो पैसा अपने पूंजी बचा कर रखा था, घर में झगड़ा भी हुआ उसके लिए, ये सारी लोग पर सर्वविदित है इस बात को जो उन्होंने ऐसा काम उन्होंने किया। फिर क्या लाए, सोचे ना समझे GST लाए। GST में जो सर्वेक्षण रिपोर्ट जो सरकार भारत सरकार का जो था, उस समय करीब करीब 2,30,000 छोटे बड़े छोटे इंडस्ट्री खत्म हो गया था। अगर 2,30,000 अगर इंडस्ट्री बंद होते हैं तो कितने लोग बेरोजगार हो गए, उसका भी मूल्यांकन करना चाहिए। इसलिए हमारा जो कार्यक्रम निरंतर जनता की अपेक्षा के अनुसार हम लोग लगातार लड़ाई कर रहे हैं। हमारा जो लड़ाई है, लड़ाई जनता के लिए है, और जनता के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। जो महंगाई, जो पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस सिलेंडर हो, सारी चीज का दाम इतना इजाफा हुआ है कि ये हम क्या बाया करें, सब लोग इस बात को कह रहे हैं। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, आपको याद होगा उज्ज्वला गैस सिलेंडर बड़ी काम का नाम का, चारों तरफ लोगों को लगा कि यह भारतीय जनता पार्टी घर घर में उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा सिलेंडर दे रहा है, कनेक्शन का पैसा इसका पैसा 1,500 रुपया लेगा। लेकिन आज उसका असर क्या है, भारत सरकार का रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 4.2% लोग जितना गैस सिलेंडर दिया था, सिर्फ 4% जो है उसको अभी तक दिया जा रहा है, ले रहा है। यानी बाकी सब जो है कचड़ा के भाव में या पैसा के अभाव में जो लोग चूल्हा सिलेंडर वहीं पर रखा है। इसीलिए हमारी कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा को संभाला है और जनता के बीच में जाकर हम लोग लगातार जनता को समझाने के काम करेंगे। जिस कदर भारतीय जनता पार्टी यहाँ की जनता को धोखा देकर प्रलोभन देकर जो काम किया है वो निंदनीय है, और इसीलिए जनता इसका जवाब आने वाले दिनों में 2024 में निश्चित रूप से देंगे, और सत्ता से इसको बेदखल करने की काम। The followup.in Like, share and subscribe www.thefollowup.in